सावन माह के चौथे सोमवार को भी कांवड़ियों के संग हजारों शिव भक्तों का जनसैलाब जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा। सूर्योदय होते ही शिव भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों की सुरक्षा के लिए मध्यरात्रि से ही बेलीपार पुलिस भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात रही। आपको बता दें, भवापार स्थित मुंजेश्वरनाथ शिव मंदिर में सावन माह के चौथे सोमवार को भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु आधी रात से ही शिवालय में पहुंचने लगे, लेकिन सबसे पहले दूर दराज से पैदल चलकर आए कांवड़ियों को जल चढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद क्षेत्र के सभी शिव भक्तों ने भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत मदार के फूल, फल आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की कामना की। जलाभिषेक के लिए शिवालय के बाहर मंदिर परिसर के गेट तक हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगा। मंदिर परिसर में विशाल मेला भी लगा हुआ था, जहाँ लोग अपनी जरूरत के सामान खरीदते नजर आए। गौरतलब है कि भवापार स्थित मुंजेश्वरनाथ मंदिर अपनी प्राचीनता, पवित्रता व महत्ता के लिए वर्षों से प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार बाबा मुंजेश्वरनाथ सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। वहीं अर्धरात्रि से लेकर शाम तक व्यवस्था के सहयोग में बेलीपार पुलिस और पीएसी सहित गोस्वामी परिवार के साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अखिलेश गिरी, शिवाजी गिरी, कृष्ण कन्हैया गिरी, संजय गिरी, अजय गिरी, गुड्डू गिरी, वीरेंद्र गिरी सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के उप प्रबंधक शिवाजी गिरी ने कहा, बाबा मुंजेश्वरनाथ धाम में जो है जैसे थोड़ा बरसात होने की वजह से लोग रुक रुक के आ रहे हैं, और बहुत बड़ी चीज है कि 19 साल बाद ये जो है सावन और मलमास का पर्व लगा हुआ है, 19 साल बाद एक साथ हुआ है, तो मुंजेश्वरनाथ धाम और जितने बाबा लोग हैं बहुत महिमा है, इनकी कृपा है। और इस समय जैसे भगवान विष्णु जो है आराम करते हैं, माता लक्ष्मी आराम करती हैं, और इस समय पूरा बागडोर, इस सृष्टि के पूरे बागडोर की बाबा भोलेनाथ के हाथ में होती है, और बड़ा सहयोग है कि लोग 5-6-8 सोमवार लोग पूजेंगे, और आज का दिन और आने वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 साल बाद जो है सावन और मलमास का जो पर्व एक साथ हुआ है, ये 19 साल बाद हुआ है भवापार में। भवापार में जो है देखिए भगवान भोलेनाथ खुद निकले हुए हैं, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, और यहाँ पर जैसे लोग देखते हैं शिववास, तो यहाँ शिववास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जो है खुद निकले हुए हैं, मूज से निकले हुए हैं। कई बार भी आप लोगों से अवगत कराया जा चुका है कि मूज जो था पूरा जो है मूज का स्थान था उसी में से निकले हैं, इस नाते इनका नाम मुंजेश्वरनाथ है। और जो भक्त सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के आते हैं उनको उनका पूरा होता है, और निश्चित रूप से पूरा होता है। लोग यहाँ आते हैं, दान दक्षिणा भी लेते हैं, उनका काम अवश्य भोलेनाथ करते हैं पूरा। मेरा शुभ नाम शिवाजी गिरी, उप प्रबंधक मंदिर कमेटी